Assalamu alaikum, dear student. I am chemistry instructor Mohammed Umair from Pakistan First Way of Learning platform V-Tuition से, जहां आपको free video lecture, free of cost जो है वो PPTs, free of cost जो है वो notes, just जो है वो V-Tuition के ऊपर available हैं, अगर आप V-Tuition को subscribe करते हो और साथ ही आप अगर bell के icon को press करते हैं तो ये all जो है वो आपको opportunities जो है वो easily available हैं और आप अपने exam की preparation जो है वो 100 out of 100 marks के लिए जो है वो completely जो है वो प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम जो है वो मॉडल पेपर सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे थे। हमने सेक्शन ए को सॉल्व किया और साथ ही सेक्शन बी के तमाम क्वेश्चंस आंसर्स जो कि चैप्टर वन से जो है वो पिक किए गए थे पेपर्स के अंदर, पास्ट पेपर मॉडल पेपर्स में, वो भी हमने सोल्व किए और कंसेप्ट जो है वो क्लियर किए। अब डियर स्टूडेंट, सेक्शन सी का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये सेक्शन सी में जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट में आपको ये दावे से कह सकता हूं कि अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप रिमेनिंग जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हों, इस टाइप के क्वेश्चंस हों या इससे डिफरेंट क्वेश्चंस हों पेपर्स में, अगर आपके पास जो है वो आ जाते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो है वो आप इस काबिल हो जाते हैं और आपकी जो है वो प्रैक्टिस ऐसी हो जाती है कि आप जो है वो एवरी न्यूमेरिकल को जो है वो राइट वे के अंदर सॉल्व करके अपने जो मार्क्स हैं वो कंप्लीट गेन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसलिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो तमाम क्वेश्चंस का जो है वो कवर करता है, जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शन है इसको आपने जो है वो मिस नहीं करना और इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपने कंप्लीट तक जो है वो सॉल्व करना है अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज डेट डियर स्टूडेंट के हमारे पास जो है वो अगर ऐसा हो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए और उस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो है वो स्टोइकोमेट्री पास्ट पेपर सॉल्यूशन के अंदर जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू है, सेक्शन सी का ये पार्ट है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो इट मीन इसके जो मार्क्स हैं ये भी जो है वो ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, 9 मार्क्स का है, तो आपने जो है उसको सॉल्व करना है किस तरह से। When aluminium is heated with nitrogen gas are allowed to react at 700 degree centigrade, कि अगर हमारे पास जो है वो रिएक्शन हो और नाइट्रोजन और एल्यूमिनियम का रिएक्शन हो और इसके आप जो प्रोडक्ट है डियर स्टूडेंट वो एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्रोड्यूस हो, कंडीशन इसमें 700 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। इफ 67.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, कि अगर हमारे पास जो मास इन ग्राम है एल्यूमिनियम का वो 67.5 ग्राम जो है वो लिया गया था एज अ रिएक्टेंट के तौर पर, रिएक्टेंट के तौर पर, एंड 140 ग्राम और हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन के 140 ग्राम जो है वो लिए गए थे और ये वो क्वांटिटीज हैं जो कि हमारे पास जो है वो रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले ली गई थी और हमने जो है वो इसका जो प्रोडक्ट है वो एल्यूमिनियम नाइट्राइड वो प्रोड्यूस हुआ है। तो डी स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में ये तो गिवन है और इसके साथ हमने फाइंड आउट क्या करना है, गिवन डेटा ये है और जो फाइंड आउट करना है वो डेटा हमारे पास क्या है। तो अगर हम उस डेटा को देखते हैं डी स्टूडेंट, तो हमारे पास जो है वो इसका पार्ट ए जो हमने सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि तमाम क्वेश्चन का जो है वो पैरेंट आप समझ लें कि अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो आपको कोई मुश्किल नहीं आती, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप देखें पार्ट ए में लिमिटिंग रिएक्टेंट भी फाइंड आउट करना है, जिसके लिए आपके पास जो है वो एक लंबा चौड़ा एक सॉल्यूशन बनता है जिसके लिए आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करेंगे। जैसा कि कल के न्यूमेरिकल, प्रीवियस न्यूमेरिकल के अंदर मैंने सॉल्व कराया था, तो जस्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट आपने फाइंड करना था। और इसी का पार्ट बी देखें तो मैस ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड जो प्रोडक्ट है इसका मैस भी कैलकुलेट करना है, जो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट ही कंट्रोल करता है। यहां से आप इन टू पार्ट को सोल्व करेंगे एंड पार्ट सी डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये एक्स्ट्रा पार्ट है जो कि अभी तक आपने किसी भी न्यूमेरिकल पोर्शन में सॉल्व नहीं किया, इस क्वेश्चन के अंदर आप ये भी सॉल्व कर लेते हैं और इस तरह से आप जो है वो 100% जो है वो अपने ऑल न्यूमेरिकल्स को इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो किस टाइप का भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो। तो ये गारंटी है डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। तो अगर आप जो है वो इसका सी पार्ट देखें तो मैस ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, क्या आपने इन एल्यूमिनियम नाइट्राइड में जो एक्सेस रिएक्टेंट उसका मैस भी लास्ट के अंदर कैलकुलेट करना है, तो लेंथ ही न्यूमेरिकल है और इसके मार्क्स भी जाहिर है ज्यादा मार्क्स का ये क्वेश्चन है और ये ऑल एस्पेक्ट को टच कर रहे हैं। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है कि हमारे पास जो है वो 2 मोल एल्यूमिनियम है और 1 मोल नाइट्रोजन है और 2 मोल एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्रोड्यूस किए, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। बिकॉज डियर स्टूडेंट सबसे फर्स्ट स्टेप
जो आपने अपनी कैलकुलेशन पर अप्लाई करना होता है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को आपने जो है वो यूज करना है। तो इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस, इक्वेशन को बैलेंस होना जरूरी है 100%। गिवन में स्टूडेंट हमारे पास थे 67.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एंड 140 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो डी स्टूडेंट चेक करते हैं कि हम फर्स्ट जो है वो विच इज लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड विच इज एक्सेस रिएक्टेंट, इसका पार्ट ए भी डी स्टूडेंट यही है कि आप जो है वो इसके अंदर जो है वो बताएं कि हमारे पास जो है वो कौन सा जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो फर्स्ट जो है वो हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं डी स्टूडेंट। तो मैं राइट करता हूं कि मेरे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो इसके लिए डी स्टूडेंट मैं जो हूँ वो इससे सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो मैं इसके जो है वो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करता हूँ। तो डी स्टूडेंट मैं नंबर ऑफ मोल्स को इस तरह से कैलकुलेट करता हूँ कि फर्स्ट में जो है वो नंबर ऑफ मोल को आप स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो आप फाइंड आउट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू मास इन ग्राम, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 67.5 ग्राम। 67.5 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम। डी स्टूडेंट जो एल्यूमिनियम है इसका मोलर मास 27 होता है। जब आप इनको डिवाइड करते हैं तो डी स्टूडेंट आपके पास जो आंसर आएगा डी स्टूडेंट वो आपके पास आता है 1.25। अगर जो है वो हम इसको डी स्टूडेंट चेक कर लें कैलकुलेटर से तो हमारे पास जो है वो 67 और इसको जो है वो हम डिवाइड करें 67.5 डिवाइडेड बाय 27 तो डिवाइड करने से डी स्टूडेंट ये 2.5 आया है। तो यहाँ पर जो है वो आप जो है वो 1.25 को जो है वो रिजेक्ट करें और जो है वो आप यहाँ से 2.5 आपके पास जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम है। सिमिलरली डी स्टूडेंट आपने नाइट्रोजन के भी नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है। तो डी स्टूडेंट आप जो है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर डी स्टूडेंट आप जो है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम के बाद आप फाइंड करें नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ जो है वो स्मॉल एन है और नाइट्रोजन डी स्टूडेंट यहाँ पर इसका जो मास गिवन है वो 140 है एज इन द क्वेश्चन एंड 140 ग्राम डिवाइडेड बाय आपके पास जो है वो नाइट्रोजन। डी स्टूडेंट यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है एंड 1 नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 14 है और मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आपके पास जो है वो डी स्टूडेंट 28 आते हैं। अब डी स्टूडेंट जब आप जो है वो 140 ग्राम को मल्टीप्लाई करेंगे 28 से और इसको जो है वो डिवाइड कर लेंगे तो 140 डिवाइडेड बाय जो है वो 28 ये आपके पास जो है वो 5 मोल आएंगे। अगर आप जो है वो 140 को डिवाइड करें 140 डिवाइडेड बाय आप जो है वो 28 तो ये आपके पास डी स्टूडेंट जो है वो 5 मोल जो है वो आपके पास आंसर आया। जिस तरह इसके जो है वो 2.5 मोल आए इसके 5 मोल आगे आपके पास प्रोड्यूस हो गए। अब डी स्टूडेंट आपके पास जो है वो नंबर ऑफ मोल एल्यूमिनियम के भी हैं और नाइट्रोजन के भी हैं। डी स्टूडेंट आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन का यूज करें तो आप कहते हैं कि 2 मोल एल्यूमिनियम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्राइड आर इक्वल फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो 2.5 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑल्सो प्रोड्यूसेस 2.5 मोल ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो ये भी 2.5 मोल जो है वो एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्रोड्यूस करती है। सो डियर स्टूडेंट हमारे पास जो एल्यूमिनियम इस रिएक्शन के अंदर जो नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्रोड्यूस करती है वो 2.5 मोल है। सिमिलरली डियर स्टूडेंट अगर हम जो है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन से एल्यूमिनियम को फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास जो है वो बैलेंस इक्वेशन कहती है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड। सो हमारे पास 1 मोल अगर 2 मोल प्रोड्यूस करती है इट मीन हमारे पास जो है वो 5 मोल ऑफ नाइट्राइड और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है वो हमारे पास 10 मोल जो है वो एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्रोड्यूस करेगी। इस तरह डी स्टूडेंट जो हमारे पास जो एल्यूमिनियम प्रोड्यूस कर रही है वो 2.5 प्रोड्यूस कर रही है और जो हमारे पास नाइट्रोजन प्रोड्यूस कर रही है वो 10 मोल एल्यूमिनियम प्रोड्यूस कर रही है। तो डी स्टूडेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट इज दैट रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस द लीस्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट जो हमेशा हमारे पास लेस नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट को फाइंड आउट करता है। इस तरह हमारे पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ बिकॉज 2.5 मोल लेस है तो एल्यूमिनियम इज और लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो डी स्टूडेंट आपने पार्ट ए को देखा कि हमने किस तरह से लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड कर लिया। अब इस 2.5 मोल ऑफ रिएक्टेंट से डी स्टूडेंट हमने नेक्स्ट पार्ट जो कैलकुलेट करना है
वो मैस आप हमने कैलकुलेट करना है एल्युमिनियम एंड नाइट्राइड का, जो के डी स्टूडेंट इसका जो है वो नेक्स्ट पार्ट है, और इस नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है वो हम इसको सॉल्व करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि मैस ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्रोड्यूस। तो मैस ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्रोड्यूस को डी स्टूडेंट किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए डी स्टूडेंट हम पार्ट बी को सॉल्व करते हैं पार्ट ए के बाद, के मैस ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो डी स्टूडेंट मैस का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो मैस इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो डी स्टूडेंट दिस इज द फॉर्मूला, इसको इक्वेशन वन कह दें, डी स्टूडेंट मैस ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, डी स्टूडेंट हमने एल्यूमिनियम नाइट्राइड के फाइंड आउट करने हैं, और डी स्टूडेंट हमने नंबर ऑफ मोल्स एल्यूमिनियम नाइट्राइड के वो लेने हैं जो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट के थे, बिकॉज लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल दी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, सो नंबर ऑफ मोल ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू दी नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ मोल जो है वो 2.5 मोल एल्यूमिनियम नाइट्राइड हम लेंगे, और मल्टीप्लाई बाय डी स्टूडेंट एल्यूमिनियम नाइट्राइड का जो मोलर मेस है वो हमारे पास क्या होता है, एल्यूमिनियम डी स्टूडेंट हमारे पास जो है उसका मेस 27 और प्लस जो है वो 14 हम करते हैं, तो ये मेरे पास जो है वो 41 आएगा, और 2.5 मल्टीप्लाई बाय 41, तो डी स्टूडेंट अगर हम जो है वो 2.5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास जो है वो 2.5 एंड मल्टीप्लाई बाय 41 गिव्स अस 102.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड। इस तरह से डी स्टूडेंट मेरे पास जो मैस ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड आया है वो 102 जो है वो डी स्टूडेंट 0.5 ग्राम एल्यूमिनियम नाइट्राइड आया है। डेट इज और आंसर नंबर बी, ये बी पार्ट का आंसर है। अब डी स्टूडेंट मैस को भी कैलकुलेट कर लिया, दी लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डेट टू फाइंड दी मैस ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, कि हमने जो है वो मैस ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट को भी फाइंड आउट करना है। द लास्ट पार्ट जो है वो डी स्टूडेंट आपने इस तरह से सॉल्व करना है कि आपके पास यहाँ पर ये डी स्टूडेंट आपके पास एक्स्ट्रा पार्ट है, और ये इससे पहले आपने किसी क्वेश्चन के अंदर भी सॉल्व नहीं किया, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे तरह से आपने जो है वो समझना है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर बनाना है, ताकि आप जो है वो एवरी न्यूमेरिकल के लिए प्रिपेयर हो सकें। तो यहाँ पर डी स्टूडेंट एज जैसा कि बैलेंस इक्वेशन कहती है कि इसका पार्ट जो है वो सी में फाइंड आउट करूं, तो 2 मोल एल्यूमिनियम और जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, डी स्टूडेंट यहाँ रिलेशनशिप हमने अब एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन के लिए कैलकुलेट करना है पार्ट सी के अंदर, सो 2 मोल एल्यूमिनियम हमारे पास जो है वो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। अगर 2 मोल एल्यूमिनियम 1 मोल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो हम जो है वो मैस को कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 मोल एल्यूमिनियम 1 मोल नाइट्रोजन है तो हमारे पास 1 मोल एल्यूमिनियम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/2 मोल ऑफ नाइट्रोजन के साथ डी स्टूडेंट रिएक्ट करता है। इट मीन यहाँ पर हमारे पास 1 मोल एल्यूमिनियम अगर यूज होगा तो 1/2 मोल डी स्टूडेंट नाइट्रोजन के वो कंज्यूम होंगे। तो डी स्टूडेंट इस तरह से हम जो है वो अगर आपने देखा तो आपने कैलकुलेट किया था जो एल्यूमिनियम था वो लिमिटिंग रिएक्टेंट था, इट मीन नाइट्रोजन इज अ एक्सेस रिएक्टेंट, और नाइट्रोजन यहाँ पर जो है वो अल्टीमेटली जो है वो एक्सेस रिएजेंट के तौर पर वर्क करेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम लिमिटिंग था, और डी स्टूडेंट हमने मैस ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट को फाइंड करना है, इट मीन हमने नाइट्रोजन का मैस कैलकुलेट करना है। तो मेरे पास डी स्टूडेंट एल्यूमिनियम के जो मोल आए थे वो 2.5 मोल थे, जो कि मेरे पास जो है वो 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन के इक्वल आए थे। तो डी स्टूडेंट यहाँ पर ये 1/2 को अगर जो है वो हम मल्टीप्लाई कर लें 2.5 मोल से, तो मेरे पास जो है वो ये जो आंसर आता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो ये मेरे पास डी स्टूडेंट आंसर जो आएगा वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, बिकॉज क्योंकि मैं जो हूँ वो डिवाइड करता हूँ 1/2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो डी स्टूडेंट मेरे पास आंसर जो है वो 1.25 आएगा, जो कि मेरे पास जो है वो मोल ऑफ नाइट्रोजन के होंगे। 1.25 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज रिएक्टेड विद दी 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। डी स्टूडेंट टोटल अगर हम देखें तो 5 मोल जो है वो हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन के जो है वो गिवन थे, जो कि हमने इसके 140 ग्राम से कैलकुलेट किए थे। 140 ग्राम में 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन थे, बट यहां पर हमने देखा कि जो इस केमिकल रिएक्शन में जो यूज हुए हैं नंबर ऑफ मोल वो 1.25 मोल यूज हुए, इट मीन जो एग्जिस्ट नंबर ऑफ मोल्स हैं वो लेफ्ट बिहाइंड जो कितने बचते हैं, तो डी स्टूडेंट
यहां से हम एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को एक्सेस रिएजेंट के जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल हैं स्वॉल एन, वो मेरे पास क्या आएंगे? तो डी स्टूडेंट अगर मैं 5 में से सब्ट्रैक्ट करूं वो मोल जो के रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए वो 1.25 थे, सो 5 माइनस 1/25 इक्वल टू 3.75 मोल ऑफ नाइट्रोजन। इस तरह से मेरे पास 3.75 मोल जो है वो नाइट्रोजन के यूज हो चुके, कंज्यूम हो चुके, और मेरे पास इट मीन जो 1.25 यूज हुए और 3.75 मोल मेरे पास डी स्टूडेंट यहां पर लेफ्ट बिहाइंड रहे जो कि एग्जिस थे। सो डी स्टूडेंट इस तरह से मैंने जो है वो लेफ्ट नंबर ऑफ मोल जो कि एग्जिस मोल थे वो कैलकुलेट किए पार्ट सी के अंदर। अब डी स्टूडेंट आप इस 3.75 मोल ऑफ नाइट्रोजन से जो है वो मास ऑफ जो है वो नाइट्रोजन को आप कैलकुलेट करते हैं, तो आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं 3.75 मोल से? तो डी स्टूडेंट आप जो है वो इसका जो लास्ट पार्ट है उसकी तरफ हम चलते हैं, जो कि मेरे पास जो है वो मास ऑफ नाइट्रोजन होगा, एंड मास ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डी स्टूडेंट नाइट्रोजन मल्टीप्लाई बाय मोलर मास होगा नाइट्रोजन का। तो मास ऑफ नाइट्रोजन N2 जो कि एक्सेस अमाउंट में है उसके लिए डी स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल जो कि हमने फाइंड आउट किए 3.75 एंड मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन डी स्टूडेंट 14 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इक्वल टू 28। सो 3.75 मल्टीप्लाई बाय 28 गिव्स अस द आंसर, दैट इज द मास जो कि हमारे पास एग्जैक्ट मास होगा जो कि मेरे पास जो है वो 3.75 मल्टीप्लाई बाय 28 आएगा, और विच इज इक्वल टू 105 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जो कि मेरे पास एक्सेस होगा इसके इक्वल आएगा। तो डी स्टूडेंट इस तरह से मैंने आपको जैसा कि बताया था ये न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप मैक्सिमम पार्ट्स ऑफ ऑल न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं, और एग्जाम के अंदर जो भी न्यूमेरिकल आपके पास आएगा आप इस न्यूमेरिकल के समझने के बाद अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद जो है वो उनको इजिली सॉल्व करके अपने मार्क्स जो है वो कंप्लीट गेन कर सकते हैं अपने एग्जामिनर से। तो डी स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल को जो है वो हमने सॉल्व किया, इसका आंसर जो है वो पार्ट सी का भी 105 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन आया। डी स्टूडेंट जो है वो आपने जो है वो ब्यूटिशियन को जरूर सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करना है ताकि आप अपने आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन अपने एक्सपीरियंस एंड बेस्ट ट्यूटर के साथ जो है वो इजली जो है वो कर सके। और डी स्टूडेंट तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।